ये वीडियो मैं आपको दिखाने लगा, ये उस तरह के लिपस्टिक मुसलमानों की नहीं है बल्कि ये उस तरह के मुसलमानों के मुंह पे तमाचा है जो हर वक्त लोगों को पीछे के पीछे इस्लाम लेके घूमते रहते हैं तो शर्म आनी चाहिए मुसलमानों के तुम्हें तो ये होना चाहिए मुसलमानों के लिए सुना है को शर्म आनी चाहिए मुसलमानों के लोगों को मारा इनका इस्लाम शुरू होता है औरतों की टांगों से बस वही ताकि इस्लाम वो सीधी सीधी बात करते, है। वो करते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है हमारे मोमिन इस्लाम लेके घुस जाते हैं और उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो लिपस्टिक हैं जो जो गंदी गंदी फिल्मों में काम भी करते हैं हर तरह की ड्रामेबाजिया रंगरलिया भी मनाते हैं दो नंबर काम भी करते हैं लेकिन एंड में लोगों को इस्लाम का भाषण देने लग जाते हैं यानी पक्के बहुत सेंसिबल लोगों को बहुत समझदार मुसलमानों को ज्यादा ये मुसलमान आपको कन्वर्ट में लेंगे मोहम्मद असद की तरह बिन हीरो है, ने है, शहीद है उसामा बिन मैंने तो कभी बोला ही नहीं हैं अजमल जितने भी सारे मुसलमान है इनको क्यों नहीं शेम देते बड़ा अच्छा पॉइंट रखा उस वक्त तो ये ड्रामेबाजी करने लग जाते हैं कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं ऐसा नहीं होता जब आदमी चार चार शादी कर लेता है इस्लाम में खुला तलाक देता तलाक तलाक बोल के अपनी बीवी बच्चों को मार रहा है तब नहीं बोलते

मैंने इस्लाम का ठेका ले रखा है आ, मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं इस्लाम का ठेका लेके बैठी मुझे वो क्लर्क 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 बनना है मुस्लिम मुस्लिम तुम्हें तो आनी चाहिए मुसलमान तुम्हें तो ये होना चाहिए मुसलमान हो के आई है की साहब को शर्म आनी चाहिए मुसलमानों के लोग को मारा गुड पॉइंट बड़ा पॉइंट और इनका इस्लाम शुरू होता है औरतों की टांगों से बस वहीं तक ही इनका इस्लाम रहता है और जब हम ये कहते हैं ना कि ये जो दहशत गर्दी करते हैं अजमल के साहब या जितने भी सारे मुसलमान ही हैं ये इनको क्यों नहीं ये शेम बाकी देते बड़ा अच्छा पॉइंट ने रखा उस वक़्त तो ये ड्रामेबाजी करने लग जाते हैं कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है तो लेकिन उसको शेम क्यों नहीं कह रहे होते क्योंकि अंदर से खुश हो रहे होते हैं अंदर से कह रहे होते हैं वर्ल्ड आन उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा के शहीद है उसामा बिन लादान जैसे लोगों ने गुलामी किसी तोड़ दी करोड़ों लोग करोड़ों मुसलमान इस तरह के सेंटिमेंट्स को गले से लगा के रखते हैं ये वजह है कि जब कोई लड़की कपड़े पहन ले जो कि खुद कह रही है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ जारी बात एक्स मुस्लिम में बिलीव नहीं है उसको शेम करने ला जाता है कभी इन्होंने टेररिस्ट को नहीं कहा कभी ये जो गंदी हरकतें रोज आए रोज इंग्लैंड में पाकिस्तानी पे बच्चियों के साथ गंदी हरकतें कर रहे हो तो कभी किसी को नहीं यार तो, तो शर्म नहीं आती जब कोई नोटों से भरा हुआ बटवा वापस करते थे तब तो तो कहते थे कह, इसको इस्लाम ने इतना ईमानदार बनाया एक नंबर के दो नंबर हर तरफ से दो नंबर झूठे फ्रॉडी शर्म आ जानी चाहिए मुसलमानों के इसने ऐसे ये दंगे फसाद किए मेरे बोले मैंने नहीं ठेका लिया है किसी का सो प्लीज मेरे को बोलना बंद करो यार वो अपनी लड़की अपने मर्जी से कपड़े पहन रही है पैसे कमा रही है तुम्हारा क्या जा रहा है ऐसा नहीं होता जब आदमी चार चार शादी कर लेता है इस्लाम में exactly. ऐसे खुला तलाक देता है तलाक तलाक बोल के अपनी बीवी बच्चों को मार रहा है तब नहीं बोलते कि तुम्हें मुण... नहीं तो वो तो इस्लाम में है उसको कैसे बोलेंगे भाई चार शादियां जायज है इस्लाम में बच्चे की पिटाई जायज है इस्लाम में औरत की गुआई आदि है छोटी बच्ची से नौ साल की बच्ची से शादी हो सकती है ये चीजें तो हलाल है उसको कैसे कहेंगे कि यार आपको शर्म नहीं आ रही और जो दहशत गर्दी पीछे बात है ना दारुलहर पे हमने लड़ना है वो इस्लाम में जायज है तो आपको कैसे मना किया जा सकता है इसलिए तो कोई को, इनको कुछ कहता नहीं है जहाँ यूरोप में वेस्ट में इन्होंने दंगे में, में को कोई किसी को, किसी मुसलमान शर्म नहीं आती तो ये असल में इस्लाम में जायज है। फिर आपको इस्लाम की शायद सही तरीके से समझ है नहीं अभी मुस्लिम आदमी हो शर्म आनी चाहिए ऐसा कर रहे बुरखा पहनो ऐसा किसी ने कहा कभी में की नहीं। उर्फी बुरखा क्यों नहीं पहनती But I was like, I got good set of boobs, man. I don't want to talk about. Oh try my god! That. <laughs> Sorry it's just visit. so out there. I love it, yeah. वो उन्होंने बेचारे बचपन में कहते थे बुरका पहनो बड़े हो गया, दाड़ा तो इसमें जो मजे का जो पॉइंट है ना जो मैं बड़े अरसे चला आ रहा था कि ज, इनको सीधा करने का एक तरीका है जो भी मुझे याशियां करनी है शराबे पीनी नाच गाने करनेबरल लाइफ स्टाइल करनी है पहनने लेकिन एंड में डर इस्लाम हमारा सबसे अच्छा मजहब है इनको चाहिए कोई थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी

आपको नहीं कहता इस्लाम ने तो बड़े औरतों को हकूक दिए हमारे पाकिस्तान में बड़ा बुरा हाल है जो मिसोजनी है इस्लाम में तो बिल्कुल भी नहीं है तो ये मारते रहते है। और उसका नतीजा ये निकलेगा इस ऐसा उर्फी चले उर्फी तो एक बहादुर नौजवान खातून है लेकिन बहुत सारे जो ये हमारी मारिया भी जैसी <laughs> नंगे कपड़े गंदी फिल्में गंदे काम सारे हर, हर काम किए सारी रिपोर्टे हैं इसकी पार्टियां शार्टियां शराब शुरू सब चलती है लेकिन इस्लाम के सिपल बन जाते हैं ये लोग और इनके साथ वो राजे रुजे भी

अभी घज़वा हिंद लड़ने वाले लोग नहीं आए कब आएंगे और कहाँ से आएंगे आज से 900 साल पहले सुखीर रहमत अली साहब की जो पेशेंट हुई है ना उनके मुताबिक आपकी मुस्लिम फौज के अंदर एक शेर खान नाम का आदमी आएगा ठीक अच्छा अच्छा है नहमत शाह की ये पेशंगोई है। है। उनकी नौ सौ साल पहले की वक्ता सच साबित होती रही हैं हो अभी हमारे कंट्री में जो जिसने जिस, न, जिस बंदे शेर खान नाम का वो हाँ, तो शहीद हो गए ना अभी वो वक्त नहीं आया ठीक है ना नहीं आया जब गजवा हिंद का वक्त आएगा आपको पता चलेगा कि ये जो आपकी आर्मी है ये जो आपके लोग है, ये हैं सब है, ये सब के साथ इदारे हैं ये सब के साथ एक डगर पे चल चुके हैं है। और इन सबको एक डगर पे लाने के लिए यूनिटी की जरूरत है इस्लाम का ठेका ले रखा है मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं इस्लाम का ठेका लेके बैठी मुझे वो क्लर्क क्लर्क बनना है मुस्लिम आई हैव ओपनली लेकेट दैट आई डू नॉट बिलीव इन रिलीजन बट स्टिल तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुसलमान हो के तुम्हें तो ये होना चाहिए मुसलमान हो के आई हैव नेवर हर्ड पीपल सेइंग दैट टू टेररिस्ट टेररिस्ट के लिए कभी सुना है कि अजमल का साहब को शर्म आनी चाहिए मुसलमानों के इतने तिलो को मारा इसको शर्म आ जानी चाहिए मुसलमानों के इसने ऐसे ये दंगे फसाद किए मेरे होले है मैंने नहीं ठेका लिया है किसी का सो प्लीज मेरे को बोलना बंद करो या वो अपनी लड़की है अपनी मर्जी से कपड़े पहन रही है पैसे कमा रही है तुम्हारा क्या जा रहा है ऐसा नहीं होता जब आदमी चार चार शादी कर लेता है इस्लाम में exactly. ऐसे खुला तलाक देता है तलाक तलाक बोल के अपनी hmm. बीबी बच्चों को मार रहा है तब नहीं बोलते कि तुम्हें मुस्लिम आदमी हो के यू नो शर्म आनी चाहिए ऐसा कर हो